Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। आज बनाएंगे नींबू का अचार। नींबू और हरी मिर्चों का अचार बनाएंगे। ये बहुत मतलब कि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी अच्छा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी अम्मी की रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए नींबू। नींबू मेरे पास 100 है और उसको मैंने अच्छे से धो लिया और कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया, एकदम ड्राई कर लिया, सुखा लिया नींबू को। साथ ही लेंगे हरी मिर्चें, 1 किलो हरी मिर्चें ले लें। हरी मिर्चों को भी अच्छे से धोना है और उसको हो सके तो कपड़े से पोंछ लें या फिर छन्नी में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि सारा पानी जो है निकल जाए अच्छे से। और नींबू को काटेंगे और नींबू को जो है 1 नींबू में 4 पीसेस कर लेंगे, सिर्फ 4 टुकड़े। ज़्यादा मतलब कि छोटे पीसेस नहीं करना, बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे अचार रखेंगे ज़्यादा दिनों तक तो वो गल जाए एकदम जैसे मैश मसाला टाइप हो जाएगा। जैसे हमें थोड़ा सा नींबू इस तरह से काटना है नींबू को, कच्चा इसलिए नहीं डालते नींबू के धोते के साथ ही, पानी जो थोड़ा रह जाता है नींबू के ऊपर उससे क्या होगा कि थोड़ा सा नींबू जैसे सड़ जाएगा, अचार आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए पूरा सुखा लें पानी उसके ऊपर का पोंछ लें। और हरी मिर्चों को देखिए इस तरह से स्लिट करना है जैसे अम्मी कर रही हैं। यहाँ पर नींबू काट रही हूँ मैं, इस तरह से नींबू काटना है। नींबू के तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी तरह का अलग अलग अचार बनता है, जैसे लाल मिर्चें और सारे अचारी मसाला डाल के वो अलग अचार बनता है। ये सिंपल वाला अचार है हमारा, नींबू हरी मिर्चें बस थोड़े से गिने चुने मसाले जाएंगे। बस इसको इस तरह से कट करते रहें और डाल दें। और हरी मिर्चों का अलग बनता है अचार, जैसे नींबू इंस्टेंट वाला जैसे बॉईल करते हैं, नींबू बॉईल करके डालते हैं वो अलग है कि थोड़े दिनों में ही है खाने के लिए वो ठीक रहता है। ये अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए चाहिए, जैसे साल का साल बना रहे हो, तो इस तरह का बनाते हैं हम लोग घर में, हमारे घर में तो इसी तरह का बनता है। तो नींबू के तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नींबू आपके लिए विटामिन सी से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है अच्छे से, और कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम होता है ये खाने से, नींबू खाने से। अगर सफ़र के लिए जा रहे हो कहीं भी आप, तो उल्टी जैसा होता है काफ़ी लोगों को, मतली टाइप फील होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हाजमा बेहतर करता है, डाइजेशन में आपको तकलीफ़ हो अगर तो इससे खाने से वो भी कम हो जाता है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ दाल रोटी के साथ भी अगर खा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जाएगा नमक, नमक अम्मी डाल रही हैं 4 मुट्ठी के करीब, आप 1 कप नमक डाल दें। और इसको नमक डालने के बाद सारी हरी मिर्चें डाल दी और नींबू डाल दिया कट करने के बाद। देखिए इस तरह से हिला लें और इसको रखना है कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बांध के कम से कम 4 दिन धूप में, ताकि नींबू सॉफ़्ट हो जाए और मिर्चें सॉफ़्ट हो जाए अच्छे से। तो मैं बना रही हूँ मसाला इसका, 4 दिन के बाद है ये। तो 1 कप राई है, 2 टेबलस्पून मेथी है सूखी मेथी, और 2 कप लेंगे लहसुन, या फिर 1 पाव लहसुन ले लें छीलने के बाद, इतना हो जाएगा। मेथी को ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा बस कलर चेंज हो जाए मेथी का, देखिए इस तरह का कलर हो जाए, तो इसको ठंडा कर लेंगे और इसमें डाल देंगे राई। राई जो है 1 कप भर के लेना है आपने, बस अच्छा इसको चटकने तक भूनना है। देखिए इस तरह से अच्छे से ये राई चटक जाए, इसके बाद जो है इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लिया और इसको अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद देखिए इस तरह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छा सा पाउडर बना लेना है इसका। तो यहाँ पे सिलबट्टे पे
या फिर हमाम दस्ते में इस तरह से लहसुन कूटना है आपको। 2 कप है लहसुन, ये जो लहसुन मैं ले रही हूँ बारीक वाला लहसुन है, जैसे वो एकदम तेज़ नहीं होता उस तरह का है ये लहसुन। इस तरह से कूट लेना है, या फिर आप कूट नहीं सकते तो मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मोटा मोटा बस ग्राइंड कर लें। देखिए इस तरह से, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, जाके ज़रूर देखें। चैनल पे नए आए हैं तो देखिए इस तरह से मैं कूट रही हूँ, और आम का अचार की वीडियो भी मैं डाली हुई हूँ, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से मैंने लहसुन कूट लिया सारा, और यहाँ पे है 2 लीटर तेल, रिफाइंड ऑयल ले लिया है मैंने, और इसमें डाल देंगे लहसुन। थोड़ा सा बस इसको भूनना है गरम गरम तेल में, इस तरह से लहसुन डालेंगे, ज़्यादा गरम ना करें, थोड़ा सा ही गरम तेल में इसको अच्छे से कलर आने तक इसको भूनेंगे। थोड़ा सा बस कलर चेंज होने तक का इसको भूनेंगे, अगर ज़्यादा आपको कलर, आप इसका ज़्यादा कलर चेंज होने तक भूनेंगे तो इसी में तेल ठंडा होगा तो, और जो गरम तेल में उसका कलर और चेंज हो जाएगा ब्राउन होने के बजाय, देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए सिर्फ। इसके बाद जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन की तरफ है ये, और यहाँ पर डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून भर के हल्दी लेके भून लेना है अच्छे से। इससे क्या होगा कि अचार आपका जब तक रहेगा काला नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं हम, जैसे कि 4 दिन के बाद मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं, नींबू भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से जो राई और मेथी का पाउडर है ये डाल देंगे। इस वक्त ही आप क्या करें, 2 टेबलस्पून जितना मैंने मेथी लिया है उतना ही कलौंजी डालेंगे, हल्दी डाल दी, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैं भूल गई थी इस वक्त डालने के वक्त, मैं कलौंजी डाल देंगे साथ ही। इसको कम से कम आप 2 महीने तो रखेंगे, क्योंकि जो नींबू में थोड़ी सी कसीलापन होता है उसके छिलके में वो नहीं रहेगा, अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा अगर फौरन ना खाएं इसको बनाते ही। तेल डाल दिया मैंने, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया लहसुन का। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करते वक्त आपको नज़र तेल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बस इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है एक रात छोड़ दूँगी, कपड़ा बांध के एक रात छोड़ दूँगी इसको। देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, ये बात भी बहुत ज़रूरी है अचार बनाते वक्त। देखिए इस तरह से कपड़ा लपेट देना है कॉटन का, और एक रात के लिए छोड़ दिया। देख सकते हैं हम, जैसे कि देखिए ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने कलौंजी नहीं डाली थी इसलिए अब डाल रही हूँ। जब मसाले डाल रहे हैं उसी वक्त डाल दें कलौंजी, बहुत अच्छा लगता है अचार। नमक इस वक्त टेस्ट कर लें, थोड़ा सा कम लगा तो और डाल दें आप, जैसे कि इस तरह से मिक्स कर लें, और इसको मैं, कांच की बरनी हो आपके पास तो वो डाल दें, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी तो मैंने प्लास्टिक के जैसे डब्बे में डाल के रख दिया, हो सके तो कांच की बरनी इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो फिर प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बस हींग का धुआं देने के बाद जो है अचार डाल दें सारा। अचार डालने के बाद देखिए थोड़ा सा कपड़ा लपेट दें, और 2 से 4 दिन के बाद जो है चेक करते रहें अचार को, लकड़ी की चम्मच से अच्छे से मिक्स करते रहें। और देखिए पहले वाला अचार है, अम्मी ने बनाया है, ये फरवरी में बनाया है, लॉकडाउन से पहले का अचार है ये। देखिए कितना सॉफ्ट, इसका छिलका भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, जिस नींबू के छिलके में जो कसेलापन होता है, थोड़ी सी करवाहट होती है, वो भी ख़त्म हो चुकी है इसमें, जैसे कि नज़र आ रहा होगा काला नहीं पड़ा अचार। इसकी एक यही वजह है कि इसमें हल्दी भून के डालने से काला नहीं पड़ा। 2-4 दिन में इसको चेक करते रहें, अच्छे से मिक्स करें, ये और सॉफ्ट होगा, तेल और ऊपर आएगा इसमें।
4 से 8 दिन के लिए कम से कम इसको धूप में रखें। खाली हो तो हवादार जगह पे रख दें। तो मौसम होता है ये समर में बनाने का, तो मैंने अब बना दिया। इसको अभी भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, इसको बनाएं ज़रूर। इसको रोटी के साथ सर्व करें, अचार को किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत बेहतरीन सा हमारा अचार बन चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।